आज मैं तुम्हें माइनक्राफ्ट के 5 ऐसे टिकटॉक हैक्स बताऊंगा जो भाई दिखने में तो बहुत ही रियलिस्टिक लगते हैं और बनाने में भी काफी आसान है। अगर तुम माइनक्राफ्ट में सोने के लिए अभी भी उसी पुराने बेड का इस्तेमाल कर रहे हो तो मैं आज तुम्हें एक मॉडर्न बेड बनाना सिखाऊंगा जो एक जंगल बेड भी है एक तरीके से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले तो तुम्हें 4 बैरल रखने हैं, कुछ इस तरीके से लगाने हैं। फिर तुम्हें 2 बेड लेने हैं ग्रीन कलर के और ऐसे लगाने हैं साइड साइड में। फिर तुम्हें क्या करना है, बेड के किनारों पे लगा देनी है वाइट स्लैब, मतलब कोई सी क्वार्ट्ज की स्लैब लगा देनी है चारों तरफ ताकि थोड़ा सा अच्छा सा लगे। फिर उसके बाद उसके भी चारों तरफ लगा देनी है आपको ग्रीन रंग के कारपेट, जो काफ़ी सही भी लगेंगे क्योंकि ये बेड से मैच करते हुए हैं ना। फिर आपको कुछ अजीलिया लीव्स लगा देनी है कुछ ऐसे। फिर उसके बाद लगाना है आपको एक चैन ताकि थोड़ा सा अच्छा सा लगे कि एक चैन से लीफ लटकी हुई है। फिर एक यहाँ पर भी लगानी है को, इसके बीच में लगा देनी है एक बड़ी सी पेंटिंग और अब देखो कितना बढ़िया मॉडर्न बेड लग रहा है ये। अगर तुम एक माइनक्राफ्ट के यूट्यूबर हो बिल्कुल मेरी तरह और अपनी स्किन दिखाने के लिए तुमने अपना आर्मर उतार रखा है और इंट्रो दे रहे हो और उसी समय हो जाए तुम्हारे घर पे प्लीजर का हमला, तो भाई तुम क्या करोगे? तो हमारे पास आर्मर तो है नहीं, या फिर तुम्हारी इन्वेंट्री में होगा आर्मर या फिर तुम्हारे चेस्ट घर के अंदर चेस्ट में होगा। अब तुम तो जाके निकालना पड़ेगा ना वो, और जब तक तो प्लीजर तुम्हें मार देंगे। अबे साले, इसी मुसीबत से बचने के लिए अब मैं तुम्हें बनाना सिखाऊंगा एक आर्मर चेंजर जो भाई बिल्कुल ही ऑटोमेटिक होने वाला है। पहले तो तुम्हें अपने घर की दीवार में एक छेद करना होगा और उसके अंदर रखना होगा एक डिस्पेंसर, और यहाँ पे एक डिस्पेंसर, और फिर नीचे छेद करके उसमें भी डिस्पेंसर लगाना है जो ऊपर की तरफ फेस करे। फिर ये दीवार तोड़ के भी यहाँ पे डिस्पेंसर लगाना है जो इधर की तरफ फेस करे। फिर हर एक डिस्पेंसर के अंदर तुम्हें अपने हिसाब का आर्मर रख देना है। फिर तुम्हें एक प्रेशर प्लेट लेनी है और इस वाले डिस्पेंसर के ऊपर रख देनी है, ठीक है। पूरी जगह को ढकने के बाद ये कुछ ऐसी लगेगी और ये काफ़ी ज़्यादा सही है। देखो जैसे ही तुम इसके अंदर जाओगे तुम्हारा आर्मर अपने आप ही चेंज हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं भी माइनक्राफ्ट के अंदर नेटफ्लिक्स देखूं तो आज मैं तुम्हें एक टीवी बनाना सिखाऊंगा जिसके अंदर नेटफ्लिक्स चलेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। वैसे मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, वो बस दिखाएगा कि उसके ऊपर नेटफ्लिक्स का लोगो है पर वो चलने वाला नहीं है। अबे साले, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। पहले तुम्हें एक ब्लॉक रखना है, फिर उसे थोड़ा सा और बढ़ाना है अपने हिसाब से। मैंने तो 2 ब्लॉक की गैप छोड़ दिए बीच में। फिर आपको ब्लैक कंक्रीट लेना है और एक एक ब्लॉक छोड़ के एक स्क्वायर टाइप का, मतलब रेक्टेंगल टाइप का बना लेना है ताकि थोड़ा टीवी टाइप का लगे और एक 5 ब्लॉक तक का होना चाहिए। फिर तुम उसे सजाने के लिए थोड़े बहुत से फ्लावर पॉट लगा सकते हो। फिर तुम्हें एक लूम लेना है और लूम के अंदर रखना है ब्लैक रंग का बैनर और रेड रंग की डाई, और फिर ये वाला पैटर्न सिलेक्ट करना है और उसे अपने पास ले लेना है। फिर उसी बैनर को तुम्हें वापस अंदर डालना है, फिर ये वाला पैटर्न सिलेक्ट करना है, फिर वापस से उसी में डाल के एक और पैटर्न सिलेक्ट करना है, फिर उसे ले लेना है। अब तुम्हारा बैनर तैयार है। ये बैनर तुम्हें टीवी के बिल्कुल सेंटर में लगा देना है। देखो बिल्कुल लग रहा है कि नेटफ्लिक्स ही चल रहा है उसके ऊपर। क्या अभी भी तुम माइनक्राफ्ट के अंदर आर्मर का शोकेस बनाने के लिए आर्मर को पूरी तरह से ग्लास से ढक देते हो? तो भाई मैं तुम्हें इससे बेटर तरीका बताऊंगा जो दिखने में भी काफी सही लगेगा। पहले तो तुम्हें एक नेदरराइट का ब्लॉक रखना है, फिर उसके बराबर में लगा देना है एक आयरन का ब्लॉक, फिर लगाना है तुम्हें एक गोल्ड का ब्लॉक, ठीक है। फिर उसके बाद लगाना है एक डायमंड का ब्लॉक। तुम्हें ब्लॉक के बिल्कुल किनारे में खड़े होकर एक आर्मर स्टैंड प्लेस करना है। यही चीज तुम्हें चारों ब्लॉकों पे करनी है लाइक दिस। फिर तुम्हें आर्मर स्टैंड को आर्मर पहनाने हैं उसी ब्लॉक के जो ब्लॉक पे वो खड़ा हुआ है लाइक दिस। तुम्हें हर एक आर्मर स्टैंड के ऊपर 2-2 ग्लास ब्लॉक लगाने हैं जिस कलर के वो आर्मर है लाइक दिस। फिर तुम्हें हर एक आर्मर स्टैंड के ऊपर एक एक पिस्टन प्लेस करना है जो नीचे की तरफ फेस करना चाहिए। फिर तुम्हें उन सारे पिस्टनों को एक्टिवेट कर देना है। फिर तुम्हें सारे पिस्टनों के नीचे एक एक ब्लॉक लगाना है और उन्हें फिर से एक्टिवेट कर देना है। फिर तुम्हें सारे फालतू ब्लॉक्स को तोड़ देना है। फिर तुम्हें इन सारे ग्लास ब्लॉक्स के ऊपर ट्रैपडोर लगा देना है ताकि इनकी मुंडी ना दिखे। ये उस पहले वाले शोकेस से तो ज्यादा ही बढ़िया लगा। अब मैं तुम्हें एक रियलिस्टिक बारबेक्यू बनाना सिखाऊंगा जो तुम्हारा खाना भी कुक करेगा। ये सब फालतू की बातें हैं, ये खाना वाना कुछ कुक नहीं करने वाला पर दिखने में तो बढ़िया ही लगता है। बे साले, पहले तुम्हें 2 ब्लॉक का डिक करना है और उसके अंदर रखना है 2-2 कैंप फायर, फिर उसके ऊपर लगा देने हैं लूम। तुम्हें इसके पीछे जाना है, पीछे जाके तुम्हें ट्रैपडोर प्लेस करने हैं। पहले तो तुम्हें 2 ट्रैपडोर ऐसे प्लेस करने हैं, फिर क्राफ्ट करके उसके ऊपर भी ट्रैपडोर प्लेस करने हैं, फिर उन सबको बंद कर देना है। फिर तुम्हें लूम के बराबर में एक एक आयरन बार प्लेस करने हैं। फिर तुम्हें आयरन बार के ऊपर आइटम फ्रेम प्लेस करने हैं और आइटम फ्रेम के अंदर तुम कोई सा भी खाना रख सकते हो।
फिर तुम्हें लूम के ऊपर भी दो दो आइटम फ्रेम लगाने हैं और उसके अंदर भी अपने हिसाब का कोई सा भी खाना रख सकते हो और रात में इसमें खाना खाने में बड़ा ही मजा आता है। अगर तुम्हें इन टिकटॉक हैक्स में कोई सा भी टिकटॉक हैक पसंद आया तो मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताना।